नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्ट्रीम विराज में स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बी टी सी सेकेंड सेमेस्टर मैथ के मॉडल पेपर नौ को हल कराऊंगा तो इसके लिए मेरे वीडियो को इन तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें देखिए ये वीडियो आप लोगों की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब प्रीवियस ईयर से ही लिए गए हैं इसलिए मेरे वीडियो को अंत तक देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हल कराए गए हैं वो आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सभी ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस पेपर में वो इसमें सिलेक्ट किए गए हैं इसलिए आप लोग पूरा का पूरा वीडियो देखिए और परीक्षा की दृष्टि से सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आप लोग एक बार परीक्षा दे चुके हो उसमें आप लोग देख चुके हो कि ज्यादातर प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेरा जो इससे पहले वाला वीडियो था यानी कि मॉडल पेपर आठ वो भी जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसमें भी हल कराए गए थे तो जो लोग अभी तक मेरा वो वीडियो ना देखे हों तो बी सेकंड सेमेस्टर मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो वहां से आप लोग मेरा वो वीडियो भी देख सकते हैं तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन तो देखिए पहला क्वेश्चन है यदि किसी संभाव त्रिभुज का क्षेत्रफल चार सौ अंडर रूट तीन वर्ग सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का परिमाप होगा यदि क्षेत्रफल चार सौ अंडर रूट थ्री वर्ग सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज का परिमाप होगा तो देखिए ये क्वेश्चन 2017 के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है तो यहाँ पर देखिए 2017 में क्वेश्चन पूछा गया देखिए इसको कैसे लगाएंगे तो देखिए किसी संबाह त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और परिमाप निकालना है तो परिमाप को निकालने के लिए सबसे पहले तो हमको सम्बाह त्रिभुज की भुजा पता होनी चाहिए कि भुजा कितनी है तो यहाँ पर हम डायरेक्ट सम्बाह त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे तो देखिए संबाह त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है संबाह त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर तो देखिए क्षेत्रफल का फार्मूला होता है अंडर रूट थ्री स्क्वायर तो यहाँ पर ये यह फार्मूला लगा देंगे और फिर यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल की जगह पर चार सौ अंडर रूट थ्री लिख लेंगे और फिर यहाँ पर अंडर रूट थ्री बाई फोर लिख लेंगे इंटू भूजा स्क्वायर लिख लेंगे अब यहाँ से इस फार्मूले की सहायता से भुजा निकाल लेंगे तो यहाँ पर देखिए भुजा स्क्वायर को एक तरफ रखेंगे और ये संख्याएं इधर भेज देंगे तो यहाँ पर देखिए चार सौ अंडर रूट तीन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए अंडर रूट तीन गुड़े में है उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा और चार बटे में है तो ये गुड़े में हो जाएगा तो यहाँ पर गुड़े में चार कर लेंगे अब अंडर रूट तीन से अंडर रूट तीन कट जाएगा तो यहाँ पर देखिए भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा चार चौक सोलह यानी कि सोलह सौ सो हो जाएगा यहाँ पर अब भुजा का जब स्क्वायर हटाएंगे तो देखिए उधर रूट लग जाएगा तो यहाँ पर रूट सोलह सौ हो जाएगा और सोलह सौ का जब वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए सोलह सौ का वर्गमूल हो जाएगा कितना तो सोलह सौ का वर्गमूल चालीस हो जाएगा यानी कि चालीस का चालीस से गुणा करेंगे तो चार चौक सोलह यानी कि सोलह सौ हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए सोलह सौ का वर्गमूल आ जाएगा चालीस अब यहाँ से देखिए भुजा निकाल आई है अब हम क्या करेंगे अब सम्भाव त्रिभुज के परिमाप का फार्मूला लगा देंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर तो देखिए किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है उसकी जितनी भी भुजाएं होती हैं, उन सभी की माप जो होती है यानी कि या उन सभी भुजाओं का का जो योग होता है वही परिमाप होता है तो यहाँ पर देखिए सम्भाव त्रिभुज है यानी कि त्रिभुज की तीन भुजाएं होती हैं तो तीनों भुजाओं की तीनों भुजाओं का जो योग होगा वही परिमाप हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए संभाव त्रिभुज दिया गया तो सम्भव का मतलब जिसकी सभी भुजाएँ बराबर हों तो यहाँ पर देखिए भुजा दी हुई है चालीस यानी कि तीनों भुजाएँ चालीस चालीस जो है सेंटीमीटर की होंगी तो यहाँ पर जो है परिमाप क्या हो जाएगा इसका फार्मूला लिख लेंगे तीन गुड़े भुजा चाहे कह लीजिए कि भुजा भुजा तीन बार जोड़ लीजिए भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा और चाहे तीन गुड़े भुजा कर लीजिए तो यहाँ पर तीन गुड़े चालीस हो जाएगा यानी कि भुजा का यहाँ पर मान रख लेंगे तो चार तियाई बारह यानी कि एक सौ बीस हो जाएगा और यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर एक सौ बीस सेंटीमीटर लिख लेंगे और यही हमारा जो है क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आसानी से किया जा सकता है अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दो आसमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं दो आसमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं ये क्वेश्चन भी देख लीजिए 2016 के फर्स्ट सेट में पूछा गया है और ये सभी को पता होगा लेकिन इतनी बार बताए जाने के बाद भी जो है कुछ लोग गलत कर देते हैं तो बहुत ही खराब बात है ये कि जो है इतना बताने के बाद कहने का मतलब कम से कम बीसों बार क्वेश्चन बताया हो आ, बताया गया होगा तो ये क्वेश्चन अगर आप लोगों का आ जाए तो आप लोगों का कतई ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए देखिए दो असमान परमे संख्याओं के बीच परमे संख्या कितनी होती हैं अनंत कहीं पर भी ये क्वेश्चन आपको मिले तो तुरंत आपको बिना सोचे समझे तुरंत अनंत लिख देना है दो आसमान परमे संख्या कितनी होती है अनंत होती है फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलह बत्तीस और चौसठ का लाशा ज्ञात कीजिए देखिए 2016 के सेकंड सेट में पूछा गया है तो देखिए 16 बत्तीस और चौंसठ का लाशा ज्ञात करना है तो लाशा का मतलब क्या होता है जो भी संख्याएं दी हुई हैं उन सभी के पहाड़े में सबसे छोटी कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों में मिल रही हो यानी कि जैसे यहाँ पर 16, 32 और 64 दिया हुआ है तो इन तीनों के टेबल में देखिए कि कौन सी ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी है और तीनों में मिल रही है तो देखिये 16, सोलह सोलह बत्तीस सोल, सोलतियां अड़तालीस सोलह चौको चौंसठ चौंसठ देखिए आ रहा सोलह के पहाड़े में बत्तीस दुना चौंसठ आ रहा और चौंसठ कम चौंसठ आ रहा यानी कि चौंसठ एक ऐसी संख्या है जो तीनों के पहाड़े में जो है आ रहा है और सबसे छोटा भी है यानी कि चौसठ के पहाड़े में सबसे पहले ही चौंसठ आ रहा है इसलिए चौसठ से छोटा तो लाशा हो ही नहीं सकता है तो क्योंकि जो संख्याएं दी हुई होती हैं या तो लाशा उसके बराबर होता है या तो उससे बड़ी संख्या होती है उससे छोटी संख्या लाशा नहीं हो सकती है और जो मासा होता है वो दी हुई संख्याओं से हमेशा छोटा ही होता है और दी हुई संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता है तो ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है तो यहाँ पर देखिए लाशा क्या हो जाएगा इनका तो यहाँ पर लाशा देखिए हो जाएगा चौंसठ और यही इसका आंसर हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्कीस की अनुवर्ती की अनुवर्ती संख्या है इक्कीस की अनुवर्ती की अनुवर्ती संख्या है ये क्वेश्चन देख लीजिए 2019 में पूछा गया है इसमें भी कुछ स्टूडेंट गड़बड़ कर देते हैं क्योंकि अनुवर्ती और उत्तरवर्ती अनुवर्ती और उत्तरवर्ती में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अनुवर्ती और उत्तरवर्ती दोनों शब्द एक ही हैं यानी कि दोनों का मीनिंग जो है वो एक ही है तो यहाँ पर जो लोग इसको अलग अलग समझ लेते हैं कि अनुवर्ती का मतलब कुछ और है और उत्तरवर्ती का मतलब कुछ और है तो जो है ये सोच करके वो गलत कर देते हैं जबकि दोनों का मतलब एक ही है यहाँ पर आपको याद रखना है पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती मीन्स होता है पहले की संख्या और अनुवर्ती मीन्स होता है बाद की संख्या और उत्तरवर्ती मीन्स भी होता है बाद की संख्या तो जब भी अनुवर्ती या उत्तरवर्ती आए तो एक बार पूर्ववर्ती को जरूर ध्यान कर लेना क्योंकि पूर्ववर्ती को दूसरे नाम से नहीं जाना जाता है पूर्ववर्ती को पूर्ववर्ती ही कहा जाता है और उत्तरवर्ती को उत्तरवर्ती और अनुवर्ती दोनों कहा जाता है तो पूर्ववर्ती मीन्स होता है जो है पूर्ववर्ती मीन्स होता है पहले की संख्या क्योंकि पूर्व मीन्स सबको पता होगा पूर्व मीन्स पहले तो पूर्ववर्ती मीन्स हो जाएगा पहले की संख्या और जब आप पूर्ववर्ती को एक बार याद कर लेंगे तो अनुवर्ती और उत्तरवर्ती आप लोगों को ऑटोमेटिक आ जाएगा तो यहाँ पर देखिए इक्कीस की अनुवर्ती संख्या जो है यहाँ पर पहले लिखना है तो देखिए इक्कीस की अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी इक्कीस की अनुवर्ती संख्या बराबर तो देखिए अनवर्तित मतलब बाद की संख्या होता है तो 21 में एक जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा फिर यहाँ पर लिख लेंगे 22 की अनुवर्ति क्योंकि 21 की अनुवर्तिक की अनुवर्ती संख्या कहा गया है तो यहाँ पर जो 21 की अनुवर्ती संख्या है वो क्या हो जाएगी बाईस हो जाएगी और बाईस की अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी बाईस की अनुवर्ती संख्या बराबर क्या हो जाएगी तो यहाँ पर देखिए बाईस में एक जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा तेईस तो इस प्रकार से तेईस ही इसका आंसर हो जाएगा तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर सकते हैं देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं तो एकदम फ्री के नंबर रहते हैं आपको ज़रा सा ध्यान देने की ज़रूरत है लेकिन अगर ज़रा से भी लापरवाही कर दिए और आज इस टाइप के क्वेश्चन समझे नहीं तो तुरंत इसके नंबर आपके जा भी सकते हैं अनुवर्ती और उत्तरवर्ती में ज़रा सा कन्फ्यूजन हो गई आपको और पूर्ववर्ती और जो है अनुवर्ती आप अच्छे से समझ नहीं पाए तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन तुरंत गलत हो सकते हैं और आपके पूरे पूरे नंबर कट सकते हैं इसलिए ये जो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है कन्फ्यूजन यहीं पर आप लोग क्लियर कर लीजिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव समीकरण x बटे चार प्लस दस बराबर माइनस का चार में x का मान होगा तो देखिए ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो है समीकरण को उतार लेंगे x बटे चार प्लस दस दिया हुआ है बराबर माइनस का चार दिया हुआ है अब यहाँ पर देखिए एक्स बटे चार इधर ही रखेंगे और इस दस को उधर पच्छांतर कर देंगे तो माइनस का चार और माइनस का दस हो जाएगा क्योंकि इधर दस जो है प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो यहाँ पर एक्स बराबर क्या हो जाएगा देखिए दस में चार जुड़ जाएगा तो माइनस का चौदह हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस जुड़कर माइनस होते हैं और ये चार जो है वो यहाँ पर बटे में है तो उधर जाएगा तो गूढ़े में हो जाएगा फिर यहाँ पर देखिए, चौदह का चार से गुड़ा होगा तो कितना हो जाएगा चौदह चौको छप्पन और माइनस लगा है इसलिए माइनस का रहेगा तो एक्स बराबर माइनस का छप्पन ही हमारा आंसर आ जाएगा तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए ये क्वेश्चन भी देख लीजिए 2018 में पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो देखिए इसको कैसे करेंगे यहाँ पर देखिए एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर दी हुई है चौड़ाई दी हुई है आयत का परिमाप ज्ञात करना है यानी कि आपको सिर्फ आयत का आयत के परिमाप का फार्मूला पता होना चाहिए अगर आपको फार्मूला पता होगा तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन लग जाएगा तो देखिए आयत के परिमाप का फार्मूला क्या होता है यहाँ पर लिख लेंगे आयत का परिमाप बराबर आयत का परिमाप बराबर तो देखिए आयत के परिमाप का फार्मूला होता है दो लंबाई प्लस चौड़ाई यहाँ पर आयत का परिमाप का फार्मूला लिख लेंगे अब यहाँ पर देखिए लंबाई कितनी दी हुई है दस सेंटीमीटर दी हुई तो यहाँ दस लिख लेंगे और चौड़ाई दी हुई है छे तो यहाँ पर छे लिख लेंगे अब यहाँ पर देखिए दो गुड़े में है और यहाँ पर दस और छे जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा सोलह हो जाएगा तो यहाँ पर दो गुड़े सोलह हो जाएगा और सोलह का दो से गुड़ा करेंगे तो सोलह दुना बत्तीस हो जाएगा तो यहाँ पर परिमाप है और सेंटीमीटर में लंबाई और चौड़ाई दी हुई है तो यहाँ पर बत्तीस सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी लग जाएगा अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बर्तन में अठहत्तर सेंटीमीटर क्यूब पानी है यानी कि एक बर्तन में अठहत्तर सौ घन सेंटीमीटर पानी है बर्तन में कितने लीटर पानी है ये बताना है हमको यहाँ पर देखिए 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों के सामने लिखा हुआ है तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और कंफ्यूज करने वाला है भी है क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोगों को पैमाना नहीं पता होगा तो निश्चित रूप से ये क्वेश्चन आप लोगों का छूट सकता है एक बर्तन में अठहत्तर अच्छा सौ घन सेंटीमीटर पानी है और बर्तन में कितने लीटर पानी है ये हमको बताना है और 2018 में पूछा गया इसका मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यानी कि ये फिर से पूछा जा सकता है तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे कि बर्तन में पानी कितना है बर्तन में पानी है बराबर बर्तन में पानी है बराबर तो यहाँ पर लिख लीजिए अठहत्तर सौ घन सेंटीमीटर अठत्तर सौ घन सेंटीमीटर और फिर यहाँ पर पैमाना लिख लीजिए चूंकि एक घन सेंटीमीटर बराबर एक घन सेंटीमीटर बराबर कितने लीटर होता है तो एक घन सेंटीमीटर बराबर होता है जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन लीटर ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि एक घन सेंटीमीटर बराबर जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन लीटर होता है अब यहाँ पर देखिए जब एक घन सेंटीमीटर में हमको पता चल गया है कि इतना होता है तब यहाँ पर देखिए हमको निकालना क्या है तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे अठहत्तर घन सेंटीमीटर में कितने लीटर हो जाएंगे अठहत्तर अच्छा घन सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा तो यहाँ पर जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन गुड़े अठहत्तर हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए अठहत्तर से जो है इसका गुड़ा करेंगे तो देखिए एक है यहाँ पर तो अठहत्तर का एक से गुड़ा करेंगे तो यहाँ पर अठहत्तर हो जाएगा और फिर देखिए तीन अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ पर तीन अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे तो देखिए दशमलव यहाँ पर लगेगा और जो है दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता है इसलिए इसलिए यहाँ पर चाहें तो सात पॉइंट आठ भी लिख सकते हैं और यहाँ पर देखिए ये लीटर में हो जाएगा यहाँ पर लीटर लिख लेंगे और ये भी लीटर हो जाएगा और ये भी लीटर हो जाएगा तो इस प्रकार से सात पॉइंट आठ लीटर हमारा आंसर आ जाएगा तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आसानी से लगाया जा सकता है आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ए बी बराबर पाँच ए माइनस बी बराबर चार हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए यदि ए बी बराबर पांच ए माइनस बी बराबर चार हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए देखिए ये क्वेश्चन भी 2018 में पूछा गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है तो पुनः ये परीक्षा में पूछा जा सकता है तो देखिए यहाँ पर इसको कैसे करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर ए प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला लिख लेंगे ए क्यूब सॉरी ए प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला लिख लेंगे तो देखिए ए प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी और फिर एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी अब देखिए ये फार्मूला खोलेंगे तो यहाँ पर देखिए अगर आपको ए प्लस बी का मान दिया होता तो यहाँ से आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान आसानी से निकाल सकते थे लेकिन यहाँ पर देखिए मान दिया हुआ है ए माइनस बी का इसलिए ये क्वेश्चन लगाने में आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए और जो है 99 परसेंट उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपकी बार पूछा जा सकता है इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ लेना यहाँ पर देखिए ए माइनस बी बराबर चार दिया हुआ है और जो है आप लोगों को यहाँ पर जरूरत किसकी है यहाँ पर a- माइनस बी बराबर चार दिया हुआ है और आप लोगों को ज़रूरत है a+ प्लस बी की अगर इस फार्मूले में a+ प्लस बी का हमको मान पता होता तो यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान आसानी से निकाल सकते थे लेकिन अब हमको a+ प्लस बी क्यू जो है a+ प्लस बी का मान नहीं दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर a+ प्लस बी का मान किसी तरीके से निकालेंगे तो देखिए वो कौन सा तरीका है वही आप लोगों को समझना है यहां पर देखिए इसको सबसे पहले मान लीजिए समीकरण एक और फिर यहां पर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे यानी कि ये फार्मूले लिख रहे हैं यानी कि ये कहीं से लिए नहीं गए हैं ये फार्मूले आप लोगों को याद होंगे यहाँ पर ए प्लस बी के ए प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला लिखा गया है और अब हम फार्मूला लिख रहे हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर का तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी लेकिन यहाँ पर देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर कुछ और भी लिखा जा सकता है क्या लिखा जा सकता है वो आप लोग समझ लीजिए तो यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस फोर ए बी अब यहाँ पर इसके बराबर ये कैसे लिखा गया है ये आप लोगों को इधर साइड में समझ लेना है क्योंकि यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ये होता है सभी को पता है लेकिन अब इसके बराबर ये कैसे लिखा गया है तो इसका मान कितना होगा वो आप लोग समझ लीजिए तो यहाँ पर देखिए a माइनस बी के होल क्यूब होल स्क्वायर का फार्मूला खोल लेंगे तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का टू ए बी अब यहाँ पर देखिए फोर ए बी एक्स्ट्रा दिया हुआ है तो यहाँ पर प्लस का फोर ए बी लिखेंगे और ये तो मान लीजिए इसका मान है इसका तो इससे कोई मतलब नहीं है अब इसके बराबर ये कैसे लिखा गया ये हमको समझना है तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी और प्लस का फोर ए बी ये पूरा जो है खुल करके फार्मूला निकलेगा अब यहाँ से इस टू ए बी को इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का टू ए बी क्योंकि फोर ए बी में से टू ए बी घट जाएगा तो कितना हो जाएगा टू ए बी हो जाएगा अब देखिए ये और ये दोनों बराबर हैं यानी कि इसके बराबर ये है इसका मतलब क्या है कि इसके बराबर ये लिखा जा सकता है इतना सिर्फ आप लोग समझ जाइए बस आपका क्वेश्चन समझ लीजिए हो गया तो यहाँ पर देखिए इसके बराबर इसको लिखा जा सकता है यानी कि यहाँ पर आप लोगों को ये दोनों चीज़ें रट लेना है कि इसके बराबर इस तरीके से इसको लिख सकते हैं अब हम क्या करेंगे अब यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ है और इसके बराबर ये इस तरीके से लिख लेंगे और उसके बाद हमको ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पर ए प्लस बी ही शेष रखेंगे और बाकी जो है इस स्क्वायर को हटा देंगे तो इस स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा इसके ऊपर रूट लग जाएगा तो यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा और प्लस फोर ए हो जाएगा रूट के अंदर अब यहाँ पर देखिए a माइनस बी का हमको मान पता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर जो है चार का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस फोर इंटू यहाँ पर ए बी मान रख देंगे तो ए बी का मान कितना है पांच है तो पांच को रख देंगे अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा रूट के अंदर हो जाएगा चार चौक सोलह और प्लस चार पंचे बीस हो जाएगा अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा छत्तीस हो जाएगा अब छत्तीस का वर्गमूल निकाल लेंगे तो वर्गमूल छत्तीस का क्या होता है छः छाक छत्तीस होता है यानी कि वर्गमूल छः निकल करके आएगा यानी कि ए प्लस बी का मान हमको पता चल गया है ए प्लस बी का मान कितना आएगा तो देखिए ए प्लस बी का मान आ जाएगा 6 अब इसकी सहायता से हम क्या करेंगे इसकी सहायता से हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकाल लेंगे तो देखिए कैसे मान निकालेंगे अब ए प्लस बी का मान जो है समीकरण एक में रख देंगे तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं समीकरण एक में समीकरण एक में ए प्लस बी का मान रखने पर समीकरण एक में ए प्लस बी का मान रखने पर तो देखिए ए प्लस बी का मान समीकरण एक में रख देंगे तो देखिए समीकरण एक में मान रखेंगे तो यहां पर देखिए सबसे पहले a प्लस बी का होल क्यूब दिया हुआ है तो यहाँ पर छे का होल क्यूब हो जाएगा और बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हमको मान ज्ञात करना है तो इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे यानी कि इसका मान हमको नहीं पता है फिर प्लस थ्री ए बी दिया हुआ है तो थ्री इंटू कितना हो जाएगा ए बी का मान दिया हुआ है पाँच तो यहाँ पर पाँच रख देंगे और फिर जो है ए प्लस बी दिया हुआ है तो ए प्लस बी का मान यहाँ पर हम निकाल चुके हैं छ आया है तो यहाँ पर छ रख देंगे और फिर इसको हल कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए छ का कर क्यूब करेंगे तो छः छात्र छत्तीस और छत्तीस छक्का दो सौ सो सोलह होता है तो यहाँ पर दो सौ सो सोलह लिख देंगे और फिर यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख लेंगे और फिर प्लस यहाँ पर देखिए छः पंचे तीस और फिर तीन त्रिका नौ यानी कि यहाँ पर हो जाएगा नब्बे देखिए छः पंचे तीस हो जाएगा और तीस का तीन से गुड़ा करेंगे तो तीस यहीं नब्बे हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए इस नब्बे को इधर पच्छांतर कर देंगे तो यहाँ पर देखिए इसको इधर ही रखेंगे और इस नब्बे को इधर लाएंगे तो नब्बे माइनस का हो जाएगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हो जाएगा दो सौ सोलह माइनस नब्बे यानि कि जिस संख्या को पक्षांतर करते हैं सिर्फ उसी संख्या का चिन्ह चेंज करते हैं तो देखिए यहाँ पर इस संख्या को मान लीजिए इधर लाया गया है यानी कि दो सौ सोलह उधर लिखा भले है लेकिन पक्षांतर नहीं किए यह मान लीजिए कि हम इस पूरे पद को इधर ही रखे हैं और इस पद को उधर ले गए हैं तो ये दो सौ सोलह के साथ में माइनस करेगा तो यहाँ पर माइन में लिख लेंगे अब यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा तो यहाँ पर 216 में से 90 को घटाएंगे तो 216 में से 90 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 126 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आसानी से लगाया जा सकता है मैं फिर एक बार आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में आ सकता है इसलिए आप लोग इसको क्लियर करके जरूर जाना फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नौ दो परमे संख्याओं का योगफल माइनस एक बटे तीन है यदि इनमें से एक संख्या माइनस पांच बटे अट्ठारह हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि दो परमे संख्याओं का योगफल और एक परमे संख्या दी हुई है तो, 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 तो यहाँ पर हम पहली संख्या मान लेंगे माना पहली परमे संख्या बराबर माना पहली परमे संख्या बराबर माना पहली परमे संख्या बराबर तो देखिए पहली संख्या क्या मानेंगे एक्स मानेंगे फिर यहाँ पर लिख देंगे प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार तो देखिए यहाँ पर पहली परमे संख्या एक्स माने हैं और फिर यहाँ पर देखिए एक परमे संख्या दी हुई है और दोनों का योगफल देखिए दिया हुआ है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एक्स में इसको जोड़ देंगे यानी कि जब हम पहली ये माने हैं तो मान लीजिए दूसरी ये है और दोनों को जब यहाँ पर जोड़ेंगे तो दोनों का योग किसके बराबर होना चाहिए माइनस एक बटे तीन के बराबर होना चाहिए तो यहाँ बराबर में माइनस का एक बटे तीन कर देंगे अब क्या करेंगे ये एक समीकरण बन गई है और इस समीकरण को हल कर लेंगे तो यहाँ पर x को इधर ही रखेंगे और इसको इधर पच्चांतर कर देंगे तो देखिए यहाँ पर देखिए जब ये ब्रेकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है यानी कि ये संख्या जो होगी वो माइनस में होगी और उधर जब इसको करेंगे तो क्या होगा प्लस में हो जाएगी तो यहाँ पर माइनस का एक बटे तीन और जो है यहाँ पर देखिए संख्या माइनस की होगी तो उधर जाएगी प्लस की हो जाएगी तो यहाँ पर प्लस का पांच बटे अट्ठारह हो जाएगा और फिर एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए तीन और अट्ठारह का एलसीएम ले लेंगे तो तीन और अट्ठारह का एलसीएम देखिए तीन के पहाड़े में अठारह आता है इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा अट्ठारह ही हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए तीन का कितने से गुड़ा करेंगे तो अट्ठारह आएगा यानी कि तीन का छः से गुड़ा करेंगे तब अट्ठारह आएगा क्योंकि तीन छंग अट्ठारह होता है तो जो है यहाँ ऊपर भी छह से गुड़ा हो जाएगा यानी कि नीचे जब छः से गुड़ा होगा तो ऊपर भी छः से गुड़ा हो जाएगा तो, हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का छ हो जाएगा और देखिए पाँच के बटे में अट्ठारह है इसलिए यहाँ पर पाँच ही रखेंगे यानी कि यहाँ पर हमको किसी संख्या से गुड़ा करने की जरूरत नहीं है तो यहाँ पर माइनस का छः प्लस का पाँच हो जाएगा और बटे में अट्ठारह हो जाएगा अब यहाँ एक्स बराबर देखिए छे में से पांच को घटा लेंगे क्योंकि एक संख्या प्लस की है और एक माइनस की है तो यहाँ पर माइनस वाली संख्या बड़ी है इसलिए यहाँ पर माइनस का एक बच जाएगा और यहाँ पर बटे में अठारह इसलिए बटे में अठारह रख देंगे तो इस प्रकार से एक्स बराबर माइनस का एक बटे अठारह आ जाएगा तो देखिए यहाँ पर दूसरी संख्या कहा गया है तो दूसरी संख्या देखिए एक संख्या यहाँ पर ये दी हुई थी तो दूसरी संख्या हम क्या माने थे माने थे अतः वो संख्या क्या हो जाएगी माइनस का एक बटे अठारह हो जाएगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्गाकार खेत की भुजा एक वर्गाकार खेत की भुजा थ्री एक्स प्लस सत्रह मीटर है खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए एक वर्गाकार खेत की भुजा थ्री एक्स प्लस सत्रह मीटर है खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि की x बराबर माइनस तीन दिया हुआ है ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं और ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वही इस वीडियो में बताए जा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर ये 2019 में पूछा गया है तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे एक वर्गाकार खेत की भुजा दी हुई है और खेत का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे क्योंकि क्षेत्रफल ज्ञात करना और भुजा दी हुई है देखिए चाहे तो हम क्षेत्रफल का फार्मूला डायरेक्ट लगा करके भी कर सकते हैं और उससे पहले अगर इसको और आसानी से लगाना चाहें तो इसका एक दूसरा भी तरीका है दूसरा तरीका यह है कि सबसे पहले हम जो है भुजा में ही एक्स की वैल्यू रख लें और जब एक भुजा निकल आएगी तो उसकी सहायता से हम जो है खेत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सबसे पहले जो है इसकी भुजा ही निकाल लेंगे अचार पदों में कितनी आएगी तो यहाँ पर लिख लेंगे वर्गाकार वर्गाकार खेत की भुजा बराबर वर्गाकार खेत की भुजा बराबर तो देखिए भुजा इसकी कितनी दी हुई है थ्री एक्स प्लस सत्रह दी हुई है अब यहाँ पर थ्री इन एक्स की वैल्यू देखिए यहाँ से रख देंगे माइनस का तीन है तो माइनस का तीन रख देंगे और प्लस सत्रह हो जाएगा अब तीन का तीन से गुणा करेंगे तो तीन का नौ माइनस का नौ हो जाएगा और प्लस का सत्रह हो जाएगा अब देखिए सत्रह में से नौ जाएगा तो कितना हो जाएगा आठ हो जाएगा तो इस प्रकार से यहाँ पर एक भुजा कितनी है आठ है ये निकल आएगा और देखिए वर्ग है इसलिए जो है सभी भुजाएं इसकी मीटर दिया हुआ है तो यानी कि मीटर में दिया हुआ तो यहाँ पर आठ मीटर इसकी सभी भूजाएं हो जाएंगी अब हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है खेत के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे तो खेत का क्षेत्रफल बराबर चूंकि ये वर्गाकार है इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर तो यहाँ पर भुजा स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे अब यहाँ पर एक भुजा हम आठ निकाल चुके हैं तो यहाँ आठ का स्क्वायर कर देंगे और आठ का स्क्वायर क्या होता है आठ ठाई चौसठ यानी कि चौसठ वर्ग मीटर हमारा आंसर आ जाएगा यानी कि खेत का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा चौसठ वर्ग मीटर और यही इसका आंसर हो जाएगा अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण माइनस फोर एक्स प्लस थ्री बराबर माइनस का सिक्स माइनस अट्ठारह को हल कीजिए ये क्वेश्चन भी देख लीजिए 2016 के सेकंड सेट में पूछा गया है और समीकरण से निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग समीकरण भी अच्छे से तैयार करके जाना और सबसे आसान क्वेश्चन ये आता है क्योंकि सिर्फ एक्स की वैल्यू हमको निकालनी रहती है यानी कि कोई गुड़ा भाग और कोई ज्यादा सैल्यूशन इसमें नहीं रहता है ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है सिर्फ आप लोगों को पक्षांतर करना पता हो और कैलकुलेशन आपका मजबूत होगा तो निश्चित रूप से क्वेश्चन हल हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इसको उतार लेंगे

तो यहाँ पर हो जाएगा टू एक्स और यहाँ पर चिन्ह प्लस का ही रहेगा क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है अब यहाँ पर अट्ठारह और तीन देखिए दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस हमेशा जुड़कर माइनस होते हैं यानी कि माइनस माइनस की जब संख्याएं हो तो दोनों को जोड़ लेते हैं और चिन्ह हमेशा माइनस का ही लगता है तो यहाँ पर अट्ठारह में तीन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का इक्कीस हो जाएगा अब यहाँ पर एक्स बराबर कितना हो जाएगा ये दो देखिए यहाँ पर गुड़ा कर रहा इधर जाएगा तो भाग करेगा तो यहाँ पर माइनस का इक्कीस बटे दो हो जाएगा और जो ये आएगा माइनस का इक्कीस बटे दो यही इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि और आगे इसको हल नहीं किया जा सकता है यहां पर देखिए कोई कटने वाली संख्या होती तो इसको सरल कर लेते लेकिन यहाँ पर कटने वाली संख्या नहीं है इसलिए यहाँ पर देखिए माइनस का इक्कीस बटे दो ही इसका आंसर आ जाएगा तो इस प्रकार से इस समीकरण को आसानी से हल किया जा सकता है अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बारह दो संख्याओं का योग चौबीस है उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है संख्याएं ज्ञात कीजिए ये क्वेश्चन भी देख लीजिए 2016 के सेकंड सेट में पूछा गया है तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर दो संख्याओं का योग चौबीस दिया हुआ है और उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है ये बताया गया है तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेते हैं माना पहली संख्या बराबर माना पहली संख्या बराबर क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मान करके ही किए जा सकते हैं तो माना पहली संख्या बराबर एक्स है तथा दूसरी संख्या बराबर तथा दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी देखिए यहां पर कहा गया है कि दो संख्याओं का योग चौबीस है तो यहाँ पर देखिए एक संख्या जब एक्स माने हैं तो दूसरी क्या हो जाएगी चौबीस माइनस एक्स हो जाएगी यानी कि दोनों का जब योग करेंगे तो चौबीस होगा तो यहाँ पर देखिए एक्स में इसको जोड़ेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा चौबीस बच जाएगा तो इस प्रकार से एक संख्या हम एक्स मानेंगे तो दूसरी संख्या चौबीस माइनस एक्स हो जाएगी अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार तो देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है कि उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एक संख्या को दूसरी की दो गुनी कर देंगे तो मान लीजिए यहाँ पर देखिए x का दो गुना कर दिए हैं और ये दूसरी के बराबर कर देंगे और अगर आप चाहें तो इसमें देखिए जो है ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है कि किसको दो गुना करना है न तो इसमें कोई छोटी और बड़ी संख्या बताई गई है तो इस दो को चाहें तो इधर भी गुणा कर सकते हैं यानी कि जब इधर ना करें तब इधर कर दें तब भी जो है मान एक ही आएगा यानी कि जो मान इससे आएगा वही मान उस तरीके से भी आएगा यानी कि आपका उत्तर दोनों तरीके से सही आ, आ, सही ही आएगा यानी कि चाहे इधर गुड़ा करें और चाहे इधर गुड़ा करें तो मान लीजिए हमने इस तरफ गुड़ा किया है अब यहाँ पर टू एक्स हो जाएगा और इसको इधर पच्छात्तर करेंगे तो प्लस का एक्स हो जाएगा बराबर का चौबीस हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए टू एक्स में से एक एक्स घट जाएगा तो यहाँ पर एक एक्स बचेगा और बराबर हो जाएगा चौबीस तो इस प्रकार से जो है देखिए यहाँ पर गड़बड़ हो गया थोड़ा सा यहाँ पर देखिए इधर ये जो है एक्स जाएगा पच्चातर होगा तो ये माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का सॉरी यहाँ पर देखिए ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और टू एक्स में जो है एक्स जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा थ्री एक्स हो जाएगा और जो है इस थ्री को इधर पच्चातर करेंगे तो चौबीस वटे तीन हो जाएगा और फिर इस तीन से इसको कैंसिल करेंगे तो तीन वटे चौबीस होता है तो यहाँ पर देखिए आठ आ जाएगा तो इस प्रकार से एक्स की वैल्यू आ जाएगी यानी कि एक्स बराबर कितना आ जाएगा आठ आ जाएगा और हमको निकालना क्या है संख्याएं ज्ञात करनी है तो यहाँ पर लिख लेंगे अतः अतः पहली संख्या बराबर अतः पहली संख्या बराबर तो देखिए पहली संख्या एक्स माने थे तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू आठ है तो यहाँ पर आठ हो जाएगी पहली संख्या तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगी तथा दूसरी संख्या बराबर तो देखिए दूसरी संख्या है चौबीस माइनस एक्स यहाँ पर चौबीस माइनस एक्स लिख लेंगे अब यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू रख लेंगे तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू है कितनी आठ तो यहाँ पर आठ को घटा लेंगे चौबीस में से तो कितनी हो जाएगी देखिए आठ त्रिक चौबीस होता है आठ दिन सोलह यानी कि यहाँ पर सोलह बच जाएगा तो यहाँ पर एक आंसर आ जाएगा आठ और दूसरा आ जाएगा सोलह तो इस प्रकार से इसके दोनों आंसर आ गए यानी कि दोनों संख्याएं हमको पता चल जाएंगी और यही इसका आंसर हो जाएगा तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x माइनस वन अपान एक्स बराबर तीन बटे दो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए ये क्वेश्चन भी देख लीजिए 2016 के सेकंड सेट में पूछा गया है तो देखिए इसको कैसे जो है हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक्स माइनस वन अपान एक्स जो दिया हुआ है बराबर जो है तीन बटे दो इसको सबसे पहले नीचे उतार लेंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस वन अपान एक्स बराबर तीन बटे दो तो इसको उतारने के बाद फिर नीचे लिख लेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x माइनस वन अपान एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर तीन बटे दो का होल स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब वन अपान एक्स का होल स्क्वायर और फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस का टू माइनस का टू एक्स इंटू वन अपान एक्स हो जाएगा और बराबर इसका, इसका स्क्वायर करेंगे तो तीन तरीका नौ बटे दो दोनों चार हो जाएगा अब यहाँ से देखिए एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इस दो को उधर पच्चातर कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए नौ बटे चार और माइनस का देखिए माइनस का दो था उधर जाएगा तो प्लस का दो हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस का दो कर लेंगे अब एक्सर प्लस वन अपॉन एक्सर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए चार जो है वो एलसीएम ले लेंगे क्योंकि इसके बटे में मान लीजिए एक है तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा चार हो जाएगा तो यहाँ पर नौ प्लस देखिए यहाँ पर इसके बटे में चार आया है यानी कि एक में चार से गुड़ा हुआ तो ऊपर भी चार से गुड़ा होगा तो चार दुनिया आठ हो जाएगा यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा नौ और आठ को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा सत्रह हो जाएगा और बटे में चार है तो बटे में चार लिख लेंगे तो इस प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा सत्रह बटे चार आ जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौदह एक रेलगाड़ी की चाल एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह एक्स प्लस टू घंटे में कितनी दूरी तय करेगी यानी कि एक रेलगाड़ी की चाल दी हुई है और समय दिया हुआ है और दूरी आपको बताना है कि कितनी दूरी तय करेगी ये क्वेश्चन भी 2017 में पूछा गया है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो देखिए इसको कैसे करेंगे यहाँ पर देखिए चाल दी हुई है और समय दिया हुआ है और दूरी ज्ञात करना है तो यहाँ पर सबसे पहले हम फार्मूला लगा देंगे चाल बराबर दूरी बटे समय यहाँ पर देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा और फिर यहाँ पर हमको निकालना क्या है देखिए दूरी निकालना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे चाल बटे एक कर लेंगे और यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई जब इसका करेंगे तो यहाँ से देखिए जो है दूरी का एक से गुणा होगा तो यहाँ पर दूरी हो जाएगा और फिर दूरी बराबर क्या हो जाएगा चार गुड़े समय हो जाएगा तो यहाँ तो तो पर चार गुड़े समय लिख लेंगे और फिर देखिए चाल यहाँ पर दी हुई है कितनी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू दिया हुआ है और फिर समय देखिए क्या दिया हुआ है समय दिया हुआ है x 2 और अब इन दोनों का क्या करेंगे गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर का x से गुणा होगा तो x क्यूब हो जाएगा फिर x स्क्वायर का 2 से गुणा होगा तो प्लस का 2 x स्क्वायर हो जाएगा फिर 3x एक्स का x एक्स से गुणा होगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा फिर 3x का 2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा तीन 2 छः एक्स और फिर यहाँ पर देखिए टू का एक्स से गुड़ा होगा तो टू एक्स हो जाएगा फिर टू का टू से गुड़ा होगा तो दो दुना चार हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए जो जो है पद जुड़ घट रहे हो तो उनको जोड़ घटा लेंगे तो यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर देखिए स्क्वायर वाले दो पद हैं तो यहाँ पर इनको जोड़ लेंगे तो तीन दो पाँच हो जाएगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पर पाँच एक्स स्क्वायर हो गया अब देखिए सिक्स एक्स में टू एक्स जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा एट एक्स हो जाएगा यहाँ पर देखिए एट एक्स लिख लेंगे और फिर यहाँ पर प्लस का चार है तो प्लस का चार लिख देंगे तो इस प्रकार से यही हमारा आंसर आ जाएगा यानी कि एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस चार और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से किया जा सकता है यानी कि चाल और समय दिया हुआ है हमको दूरी निकालना दूरी निकालनी थी तो दूरी बराबर चाल गुड़े समय फार्मूला लगा देंगे और फिर चाल और समय का गुड़ा कर लेंगे जो भी दिया हुआ है और उनका जो गुड़न फल आएगा वही उसकी दूरी हो जाएगी देखिए किलोमीटर में दी हुई थी तो यहाँ पर हम चाहें तो किलोमीटर भी लिख सकते हैं और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आयताकार मैदान की लंबाई एक आयताकार मैदान की लंबाई अस्सी मीटर तथा चौड़ाई साठ मीटर है इसके बीचों बीच लंबाई के समांतर पांच मीटर तथा चौड़ाई के समांतर तीन मीटर चौड़ी सड़क बनाने का रुपया पंद्रह प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खर्च क्या आएगा तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो देखिए जिस हिसाब से क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहले हम उस हिसाब से क्या करेंगे चित्र को बना लेंगे तो यहाँ पर देखिए जो है कहा गया है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है तो यहाँ पर इसी हिसाब से देखिए एक आयताकार जो है मैदान बना लेंगे इस प्रकार से देखिए मान लीजिए ये आयताकार मैदान है और जो है इसकी लंबाई कितनी दी हुई है अस्सी दी हुई है और इसकी चौड़ाई कितनी दी हुई है साठ दी हुई है और इसके कहा गया है कि लंबाई के समांतर देखिए जो है इस तरीके से लंबाई के समांतर बीचों बीच में एक सड़क दी हुई है और जो है लंबाई के समांतर पाँच मीटर तथा चौड़ाई के समांतर तीन मीटर चौड़ी यानी कि जो ये है इसकी चौड़ाई कितनी दी हुई है पाँच मीटर दी हुई है और फिर चौड़ाई के समांतर जो है बीचों बीच में सड़क है तो उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी दी हुई है वो दी हुई है तीन मीटर तो यहाँ पर देखिए ये जो चौड़ाई है ये कितनी दी हुई है तीन मीटर दी हुई है और हमको करना क्या है कि इस सड़क बनाने का जो है पंद्रह रुपया प्रति मीटर मीटर की दर से जो है खर्च निकालना है तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम लंबाई के समांतर जो सड़क है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं लंबाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल तो देखिए लंबाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल यहां पर लिखिए यहां पर देखिए सड़क का क्षेत्रफल लिख लेंगे तो सड़क का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा देखिए जो सड़क है ये आयताकार है इसलिए आयत की जो है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुड़े चौड़ाई तो यहाँ पर देखिए लंबाई कितनी दी हुई है अस्सी दी हुई है तो यहाँ पर अस्सी कर लेंगे और देखिए चौड़ाई सड़क की कितनी दी हुई है तो पाँच दी हुई तो यहाँ पर जो है पाँच लिख लेंगे तो देखिए सड़क का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आठ पंच चालीस होता है तो यहाँ पर चालीस हो जाएगा और फिर एक जीरो यहाँ पर एक्स्ट्रा है तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए 400 वर्ग मीटर जो है लंबाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल हो जाएगा अब हम क्या करेंगे अब चौड़ाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो देखिए चौड़ाई के समांतर सड़क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा चौड़ाई जाए के समांतर सड़क का क्षेत्रफल बराबर सड़क का क्षेत्रफल बराबर तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा देखिए चौड़ाई कितनी दी हुई है साठ दी हुई तो यहाँ पर साठ लिख लेंगे और जो है चौड़ाई के समांतर सड़क की जो चौड़ाई है वो कितनी है तो वो है तीन तो यहाँ पर गुड़े तीन हो जाएगा अब छः का तीन से गुड़ा करेंगे तो क्षेत्रिक अट्ठारह हो जाएगा और एक जीरो है तो यहाँ पर जीरो लगा लेंगे यानी कि एक सौ अस्सी वर्ग मीटर हो जाएगा और उसके बाद फिर क्या करेंगे अब यहाँ पर देखिए एक तो सड़क ये हो गई और एक सड़क ये हो गई तो देखिए सड़क जब हम एक तरफ इसको बनाएंगे तो जब दूसरी तरफ की सड़क इसको इस तरीके से बनाने लगेंगे तो यहाँ पर जो ये भाग है ये दोबारा फिर हमको मिलेगा तो यहाँ पर हमको ये जो इतना भाग है इसको सिर्फ़ एक बार ही बनवाना पड़ेगा तो इसलिए इस भाग का भी क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा यानी कि जब इस भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो देखिए दो बार काउंट हो जाएगा यानी कि एक बार इस सड़क में काउंट हुआ एक बार इस सड़क में काउंट हुआ है तो दोनों का योग करके इस बीच वाले भाग को घटाना पड़ेगा यानी कि सिर्फ़ ये इतनी सड़क जो है वो एक ही बार तो लगवानी पड़ेगी यानी कि बनवानी पड़ेगी तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा एक बार इसको काउंट करना है और एक बार इसको घटा देना है तो यहाँ पर देखिए दोनों सड़कों के बीच का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे दोनों, तो दोनों सड़कों के बीच का क्षेत्रफल बराबर बीच का क्षेत्रफल बराबर तो देखिए दोनों सड़कों के बीच का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा तो देखिए ये जो चौड़ाई है ये पांच दी हुई है और ये जो चौड़ाई है ये तीन दी हुई है तो यहाँ पर पाँच गुड़े तीन हो जाएगा तो पांतिया पंद्रह वर्ग मीटर हो जाएगा यानी कि जो बीच वाला भाग है इस सड़क का जो है क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पंद्रह वर्ग मीटर हो जाएगा अब हमको क्या करना है सड़क का क्षेत्रफल निकालना है यानी कि हमको क्या करना है इन दोनों सड़कों का क्षेत्रफल निकालना है और जो ये बीच वाला भाग है इसको एक बार घटा देना है तो इन दोनों सड़कों का क्षेत्रफल निकाल आएगा तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सड़क का क्षेत्रफल बराबर सड़क का क्षेत्रफल बराबर जो कि हमको बनवाना है तो देखिए इसमें क्या करेंगे दोनों सड़कों के क्षेत्रफल को जोड़ लेंगे यानी कि 400 सौ प्लस एक हो जाएगा और फिर इसको घटा लेंगे क्योंकि देखिए इसमें भी ये, ये बीच वाला भाग काउंट है और इसमें भी काउंट है और अगर एक बार घटा देंगे तो एक में से घट जाएगा और एक बार शामिल रहेगा तो यहाँ पर माइनस पंद्रह कर देंगे तो यहाँ पर देखिए चार सौ में एक सौ अस्सी जुड़ेगा तो पाँच सौ अस्सी हो जाएगा और माइनस का पंद्रह हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए जो है पाँच सौ अस्सी में से पंद्रह को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए पाँच सौ पैंसठ हो जाएगा और ये क्षेत्रफल है इसलिए यहाँ पर हो जाएगा वर्ग मीटर अब हम यहाँ पर नीचे निकाल लेंगे कि एक जो है यहाँ पर देखिए कहा गया है कि एक मीटर यानी कि एक वर्ग मीटर सड़क बनवाने का खर्च पंद्रह रुपया है तो यहाँ पर देखिए जो सड़क का क्षेत्रफल निकला है इतने वर्ग मीटर सड़क बनवाने का खर्चा कितना होगा तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेंगे चूँकि एक मीटर या कह लीजिए एक वर्ग मीटर सड़क बनवाने का खर्चा बराबर सड़क बनवाने का खर्च बराबर कितना है पंद्रह रुपया है जो कि दिया हुआ है तो यहाँ पर कितना पाँच सौ पैंसठ वर्ग मीटर पाँच सौ पैंसठ वर्ग मीटर सड़क बनवाने का खर्च कितना होगा तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे पंद्रह को पाँच सौ पैंसठ से गुड़ा कर देंगे तो यहाँ पर देखिए पंद्रह का पाँच सौ पैंसठ से गुड़ा करेंगे तो पंद्रह पचे पचहत्तर हो जाएगा पचहत्तर का पाँच और फिर पंद्रह छक्का नब्बे नब्बे सात सतानबे का, का सात हो जाएगा और फिर पंद्रह पछे पचहत्तर और पचहत्तर और नौ कितना हो जाएगा पचहत्तर नौ चौरासी तो यहाँ पर देखिए आठ हज़ार चार सौ पचहत्तर रुपया हो जाएगा तो इस प्रकार से ये सड़क बनवाने का खर्चा हमारा निकल आएगा तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है नंबर सोलह पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चार गुनी है पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चार गुनी है छः वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की ढाई गुने से छः वर्ष अधिक हो जाएगी दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए ये क्वेश्चन भी देख लीजिए 2017 में आया हुआ है और देखिए इस बार जो परीक्षा हुई है उसमें इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया था तो इस प्रकार जो है इस बार पूरी उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चन आने की तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ लीजिए देखिए पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चार गुनी है तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि पुत्र की वर्तमान उम्र मान लेंगे माना पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर माना पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर माना पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष देखिए हमेशा जो उम्र मानते हैं वो वर्तमान में ही मानते हैं जब भी कोई इस इस प्रकार का क्वेश्चन करेंगे आयु वाला तो उसमें जो है हमेशा वर्तमान आयु ही मानेंगे तो यहाँ पर देखिए वर्तमान उम्र x वर्ष हो जाएगी तो यहाँ पर देखिए पिता की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी पिता की वर्तमान उम्र बराबर तो यहाँ पर देखिए पिता की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी क्योंकि कहा गया है कि पुत्र की वर्तमान उम्र की चार गुनी है तो यहाँ पर देखिए पुत्र की वर्तमान उम्र है तो यहाँ पर पिता की वर्तमान उम्र चार एक्स वर्ष हो जाएगी यानी कि इसकी चार गुनी हो जाएगी अब देखिए कहा गया है कि छह वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की ढाई गुने से छह वर्ष अधिक हो जाएगी तो यहाँ पर हम क्या करेंगे छह वर्ष बाद की उम्र निकाल लेंगे तो देखिए छः वर्ष बाद छ वर्ष बाद पुत्र की आयु बराबर पुत्र की उम्र बराबर या आयु बराबर कुछ भी लिख सकते हैं तो उम्र बराबर कितनी हो जाएगी एक्स प्लस छः हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में जो है पुत्र एक्स वर्ष का है तो छः वर्ष बाद एक्स प्लस छ हो जाएगा और पिता की पिता की उम्र बराबर यानी कि छः वर्ष बाद यहाँ पर लिख सकते हैं छः वर्ष बाद छ वर्ष बाद पिता की उम्र बराबर तो देखिए पिता की उम्र कितनी हो जाएगी तो यहाँ पर देखिए है तो यहां पर फोर में जुड़ जाएगा तो इस प्रकार से छः वर्ष बाद पिता की उम्र हो जाएगी फोर एक्स प्लस सिक्स अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार तो देखिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा देखिए छः वर्ष बाद पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की ढाई गुने से छः वर्ष अधिक हो जाएगी तो यहाँ पर अब क्या करेंगे कि जो छः वर्ष जो है बाद की उम्र है उन दोनों को सबसे पहले हम बराबर में लिख लेंगे यहाँ पर देखिए एक्स प्लस सिक्स है पुत्र की उम्र और पिता की उम्र कितनी है फोर एक्स प्लस सिक्स है अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि छः वर्ष बाद पिता की उम्र तो देखिए पिता की उम्र ये है पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की ढाई गुने से पुत्र की उम्र के ढाई गुने से तो इसका ढाई गुना कर देंगे यानी कि पांच बटे दो ढाई गुना हो जाएगा ढाई गुने से छह वर्ष अधिक है तो ढाई गुना तो इसका हो गया और छह वर्ष अधिक भी है ये तो हम क्या करेंगे इसको छह वर्ष अधिक कर देंगे या तो इसको छह वर्ष अधिक कर दें और या तो इसमें से छः वर्ष घटा दें दोनों काम कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए इस टाइप से एक समीकरण बन जाएगी और इससे हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ पर देखिए तो देखिए अंदर गुड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा फाइव एक्स बटे दो और यहाँ पर हो जाएगा पाँच छक्का तीस बटे दो हो जाएगा और फिर इस छः को उधर पच्छांतर कर देंगे तो फोर एक्स प्लस सिक्स माइनस का सिक्स हो जाएगा अब सिक्स से सिक्स देखिए कैंसिल हो जाएगा और फिर यहाँ पर देखिए फाइव एक्स अपान टू बचेगा और इस तीस बटे दो को उधर पच्छांतर कर देंगे यहाँ पर देखिए फोर के साथ में भी एक्स है तो इसको भी इधर पच्छांतर कर देंगे तो यहाँ पर बराबर न लगा करके यहाँ पर माइनस लगा देंगे माइनस का फोर एक्स हो जाएगा और इसको उधर पछ्छांतर करेंगे तो माइनस का तीस बटे दो हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए एल्शियम ले लेंगे तो जब एल्शियम लेंगे तो यहाँ पर देखिए दो हो जाएगा एलसीएम तो यहाँ पर हो जाएगा फाइव एक्स माइनस चार दो आठ एक्स आठ एक्स हो जाएगा और फिर बटे में दो हो जाएगा और बराबर माइनस का तीस बटे दो है अब इस दो से ये दो कैंसिल हो जाएगा और फिर यहाँ पर आ जाएगा फाइव एक्स माइनस का आठ एक्स देखिए पेन खत्म हो गया पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ पर देखिए फाइव है और फिर यहाँ पर फाइव एक्स है और फिर बराबर में माइनस का तीस है और फिर देखिए यहाँ पर आठ एक्स में से पाँच एक्स को घटाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक प्लस का एक माइनस का तो दोनों आपस में घट जाएंगे तो यहाँ पर माइनस का तीन एक्स हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का तीस हो जाएगा अब एक्स को इधर रखेंगे और इस तीन को भी उधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर माइनस का तीस बटे तीन हो जाएगा माइनस का अब माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर तीन दाम तीस हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए बराबर कितना आ जाएगा दस आ जाएगा तो इस प्रकार से, से, से बराबर आ गया है अब हमको देखिए निकालना क्या था दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करना था तो यहाँ पर देखिए तो पुत्र की वर्तमान उम्र एक्स माने थे तो यहाँ पर देखिए पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी आ जाएगी पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर वर्तमान उम्र बराबर दस वर्ष हो जाएगी और और पिता की वर्तमान उम्र बराबर क्या हो जाएगी पिता की वर्तमान उम्र बराबर तो देखिए पिता की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी तो देखिए पिता की वर्तमान उम्र फोर एक्स माने थे यानी कि यहाँ पर फोर का जो है एक्स की जगह पर वैल्यू रख देंगे तो फोर का टेन से गुड़ा हो जाएगा तो चार धाम चालीस हो जाएगा तो यहाँ पर चालीस वर्ष जो है पिता की उम्र आ जाएगी तो इस प्रकार से पुत्र की उम्र दस वर्ष और पिता की उम्र चालीस वर्ष हमारा आंसर आ जाएगा तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए बोर्ड मास रूल पर आधारित है देखिए अस्सी गुड़े छप्पन अस्सी गुड़े फिर बड़े ब्रेकेट में छप्पन माइनस फिर देखिए मंजले ब्रैकेट के अंदर है सात गुड़े आठ प्लस फिर तेरह माइनस दो गुड़े पाँच फिर देखिए छोटे ब्रेकेट के अंदर है ये और छोटा ब्रेकेट बंद कर देंगे फिर मझला ब्रेकेट फिर बड़ा ब्रेकेट का मान ज्ञात कीजिए ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले नीचे क्वेश्चन को उतार लेते हैं अस्सी गुड़े यहाँ पर दिया हुआ छप्पन माइनस फिर मंझिला ब्रेकेट सात गुड़े आठ फिर प्लस यहाँ पर तेरह माइनस दो और गुड़े यहाँ पर दिया हुआ गुड़े पाँच फिर देखिए मंझला ब्रेकेट बंद है फिर बड़ा ब्रेकेट बंद है तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे छोटे ब्रेकेट को हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए छोटे ब्रेकेट में ये संख्याएं हैं तो यहाँ पर जो है इन संख्याओं को हल कर लेंगे बाकी संख्याओं को ऐसे ही उतार लेंगे तो यहाँ पर छप्पन माइनस यहाँ पर सात गुड़े आठ प्लस यहाँ पर देखिए इसको जो है हल करेंगे तो यहाँ पर पाँच दुनना दस हो जाएगा और तेरह में से दस को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा फिर यहाँ से छोटा ब्रेकेट हटा देंगे और मंजिला ब्रेकेट लगा लेंगे अब यहाँ पर देखिए अस्सी हो जाएगा गुड़े यहाँ पर छप्पन हो जाएगा और अब क्या करेंगे इस मंझले ब्रेकेट को हल कर लेंगे तो यहाँ पर बीच में माइनस है माइनस लगा लेंगे तो यहाँ पर सतावठ है छप्पन हो जाएगा और छप्पन में तीन जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा उनसठ हो जाएगा तो यहाँ पर उनसठ लिख लेंगे और मंझले ब्रैकेट को हटा देंगे और बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे अब यहाँ पर 80 गुड़े यहाँ पर देखिए छप्पन में से उनसठ को घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए उनसठ वाली संख्या जो है वो बड़ी है इसलिए यहाँ पर माइनस का तीन आ जाएगा तो अब क्या करेंगे 80 का माइनस के तीन से गुड़ा कर देंगे तो आठ तरीक चौबीस आ जाएगा और एक जीरो है तो एक जीरो बढ़ा लेंगे और यहाँ पर माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस का दो आंसर आ जाएगा तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी आसानी से किया जा सकता है अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अट्ठारह देखिए दो अंकों की एक संख्या दो अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से तीन कम है यदि संख्या अंकों के जोड़ की चार गुनी हो तो वह संख्या बताइए यदि संख्या अंकों के जोड़ की चार गुनी हो तो वह संख्या बताइए तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना दहाई का अंक बराबर देखिए इस क्वेश्चन को हम एक चर से बता चुके हैं एक बार और एक बार दो चर से भी बता चुके हैं और यहाँ पर एक बार मैं आप लोगों को फिर दो चर से बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे लगेगा देखिए दो चर से लगाना थोड़ा सा कठिन होता है और एक चर से लगाना आसान होता है देखिए दो चर से जो जब लगाते हैं तो दो समीकरण बनती हैं और उनको विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि किसी से हल करते हैं लेकिन जब एक समीकरण बनाते हैं तो वहाँ पर दो समीकरणों की तरह से हल नहीं करना पड़ता है वहाँ पर सिर्फ एक समीकरण बनती है और उसी को हल करके जो है मान निकाल लेते हैं जो चर पद होता है और उसी से फिर हमारा जो है आंसर आ जाता है लेकिन जब दो समीकरणें बनती हैं तो हमको उनको दोनों को हल करना पड़ता है इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे दहाई का अंक मान लेंगे तो माना दहाई का अंक बराबर दहाई का अंक बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा माना दहाई का अंक x है तथा इकाई का अंक भी मान लेंगे तथा इकाई का अंक बराबर इकाई का अंक बराबर देखिए इकाई का अंक हम y मान लेंगे क्योंकि इसको दो चर से कर रहे हैं तो देखिए दहाई का अंक x हो गया और इकाई का अंक y हो गया तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर लिख लेंगे अतः संख्या बराबर आता है संख्या बराबर तो देखिए जो दहाई का अंक होता है वो अपने से दस गुना होता है तो यहाँ पर दहाई के अंक में दस से गुणा कर देंगे तो दस एक्स हो जाएगा और प्लस इकाई का अंक हो जाएगा यानी कि यहाँ पर प्लस का वाई हो जाएगा यानी कि जैसे यहाँ पर हमको पैंतालीस लिखना है तो पैंतालीस को हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर दस गुड़े सॉरी दस गुड़े चार प्लस पांच करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दस चौको चालीस और पैंतालीस तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं वही काम यहाँ पर किया गया है जो दहाई का अंक था उसको जो है दस से गुणा किया गया है और प्लस में जो है इकाई का अंक जोड़ दिया गया है तो ये आपकी संख्या बन करके तैयार होगी अब हमको क्या करना है यहाँ पर पहली शर्त के अनुसार क्या समीकरण बनेगी वो हम लिख लेते हैं तो देखिए प्रथम शर्त से लिख लेंगे यहाँ पर प्रथम शर्त से तो देखिए प्रथम शर्त से प्रथम शर्त में क्या कहा गया है कि दो अंकों की एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से तीन कम है तो देखिए ये इकाई का सारी सॉरी ये दहाई का अंक है और ये इकाई का अंक है और कहा गया है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से तीन कम है तो देखिए एक्स बराबर वाई सबसे पहले लिख लेंगे तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से तीन कम है यानी कि इकाई के अंक से तीन ये कम है यानी कि एक्स जो है वो तीन कम है तो हम क्या करेंगे एक्स में तीन को जो है जो एक्स है देखिए यहाँ पर पुनः एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं दहाई का अंक इकाई के अंक से तीन कम है तो देखिए इकाई के अंक से ये जो है वो तीन कम है तो हम चाहें तो इसमें क्या करें जो है तीन को जोड़ दें और चाहे तो इसमें से तीन को घटा दें दोनों काम कर सकते हैं यानी कि ये तीन कम है तो इसमें अगर हम तीन जोड़ देंगे तो क्या होगा ये दोनों बराबर हो जाएंगे और ये तीन ज्यादा है तो चाहें तो हम इसमें इसमें से जो है तीन को घटा दें तब भी ये दोनों बराबर हो जाएंगे अब क्या करेंगे इसकी सहायता से समीकरण बना लेंगे तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा इसको इधर पच्चहत्तर करेंगे तो माइनस तो वाई हो जाएगा और बराबर तीन हो जाएगा तो इस प्रकार से ये बन जाएगा समीकरण एक यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा x माइनस वाई बराबर माइनस का तीन यहाँ पर देखिए इधर पक्षांतर होगा तो ये माइनस का तीन हो जाएगा तो इस प्रकार से ये पहली समीकरण हो जाएगी अब यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय शर्त से द्वितीय शर्त से द्वितीय शर्त से तो देखिए द्वितीय शर्त से क्या हो जाएगा देखिए द्वितीय शर्त में कहा गया है यदि संख्या अंकों के जोड़ की चार गुनी हो यदि संख्या अंकों के जोड़ की चार गुनी हो तो वह संख्या बताइए तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अंकों का जोड़ करेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा यहाँ पर x प्लस वाई कर लेंगे और संख्या क्या है टेन एक्स प्लस वाई है तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि संख्या अंकों के जोड़ की चार गुनी है तो यहाँ पर ये जो संख्या है ये अंकों के जोड़ की चार गुनी है तो यहाँ पर हम अंकों का जोड़ जो है उसको अगर हम चार गुना कर दें तो ये क्या हो जाएगा संख्या के बराबर हो जाएगा क्योंकि संख्या जो है ऑलरेडी चार गुनी है तो यहाँ पर हम संख्या के अंकों का जो योग है उसको चार गुना कर देंगे तो दोनों को बराबर में लिखा जा सकता है अब इसकी सहायता से हम क्या करेंगे जो है समीकरण बना लेंगे तो यहाँ पर देखिए समीकरण क्या हो जाएगी इसका अंदर गुण कर देंगे तो यहां पर हो जाएगा 4x प्लस का 4y और इनको इधर तक कर लेंगे माइनस का 10x और माइनस का y बराबर 0 हो जाएगा अब यहां पर देखिए 10x में से 10x में से जाएगा 4x तो कितना हो जाएगा माइनस का 6x हो जाएगा और फिर यहां पर देखिए जो है 4y में से जो है 1y जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का तीन वाई बचेगा और फिर बराबर में जीरो हो जाएगा अब वो जो है क्या करेंगे अब यहाँ पर चाहे तो तीन कॉमन ले लें तो यहाँ पर तीन कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए कितना यहाँ पर हो जाएगा माइनस का तीन एक्स माइनस का या चाहे तो माइनस का तीन कॉमन ले लें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं तो यहाँ पर प्लस का तीन हो जाएगा प्लस का तीन एक्स बचेगा और यहाँ पर बचेगा माइनस का वाई और फिर इस माइनस के तीन को उधर भेज देंगे तो वो हो जाएगा देखिए यहाँ पर गुड़े के रूप में उधर जाएगा भाग के रूप में तो जो है जीरो से जीरो को जो है भाग करेंगे तीन से तो जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर जीरो में चला जाएगा अब क्या करेंगे अब देखिए यहाँ पर जो है ये समीकरण हो जाएगा दो और अब जो है इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे हल कर लेंगे एक बार पुनः यहां से समझ लीजिए देखिए यहां पर देखिए चार एक्स है और चार एक्स को जो है दस एक्स में से घटाएंगे क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है तो यहाँ पर देखिए दस में से चार को घटाएंगे तो माइनस का 6x एक्स हो जाएगा फिर यहाँ पर देखिए चार वाई में से वाई को घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस का तीन वाई आएगा बराबर में जीरो हो जाएगा अब यहाँ से तीन मान लीजिए माइनस का कॉमन ले लिए तो तीन दो न छः यहाँ पर सॉरी यहाँ पर देखिए टू बचेगा क्योंकि तीन को जो है तीन से जो है छः को भाग करेंगे तो तीन दुनिया छः हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए माइनस का कॉमन लिए हैं इसलिए यहाँ पर प्लस का टू एक्स आएगा और यहाँ पर माइनस का कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर माइनस की संख्या आएगी तभी माइनस माइनस प्लस होगा तो यहाँ पर जो है माइनस का तीन कॉमन में चला गया तो यहाँ पर सिर्फ माइनस का वाई बचेगा बराबर जीरो हो जाएगा तो इस प्रकार से ये समीकरण दो हो जाएगा अब इसके नीचे जो है समीकरण एक लिख लेंगे तो समीकरण एक क्या है x- माइनस वाई बराबर माइनस का तीन ये समीकरण एक है अब यहाँ पर लिखेंगे जो है घटाने पर क्योंकि देखिए चिन्ह दोनों के समान हैं तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे घटाने पर और घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं तो यहाँ पर देखिए इनके चिन्ह चेंज कर देंगे यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा अब इन दोनों को आपस में कैंसिल कर देंगे फिर टू एक्स में से एक एक्स घट जाएगा तो यहाँ पर एक एक्स बचेगा और बराबर यहाँ पर देखिए प्लस का तीन आ जाएगा तो इस प्रकार से एक्स की वैल्यू आ जाएगी यानी कि एक्स बराबर कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा और अब जो है एक्स का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे एक्स का मान एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक में रखने पर तो देखिए एक्स का मान समीकरण एक में रखेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए समीकरण एक है एक्स माइनस वाई बराबर माइनस का तीन तो यहाँ पर देखिए एक्स बराबर तीन रखेंगे फिर माइनस वाई बराबर माइनस का तीन हो जाएगा फिर यहाँ पर माइनस का वाई बराबर माइनस का तीन और ये उधर जाएगा तो माइनस का तीन हो जाएगा तो माइनस का वाई बराबर कितना हो जाएगा माइनस का छः हो जाएगा यानी कि तीन तीन जुड़ जाएगा तो माइनस का छः हो जाएगा और फिर यहाँ पर माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा छः हो जाएगा तो इस प्रकार से x और y की वैल्यू निकल आई है अब हमको क्या करना है देखिए हमको निकालना था संख्या तो यहाँ पर नीचे लिख लेंगे अतः संख्या बराबर अतः संख्या बराबर तो देखिए संख्या क्या हो जाएगी संख्या देखिए माने थे 10x y तो यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू आई है थ्री तो यहाँ पर एक्स की जगह पर थ्री रख देंगे और प्लस वाई वाई का मतलब क्या हो जाएगा वाई की वैल्यू रख देंगे छः तो यहाँ तो पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका गुड़ा करेंगे तो दस यहीं तीस हो जाएगा और प्लस का छः हो जाएगा तीस में छः को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा छत्तीस हो जाएगा तो इस प्रकार से वो संख्या हमारी छत्तीस आ जाएगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा तो इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से ए जा सकते हैं इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन समाप्त हुए मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों यदि हमारा हमारे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरा